टीवी का पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसी न किसी वजह से लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस सीरियल में मेकर्स दया बहन की वापसी का वादा कर रहे थे। बीते एपिसोड में देखने को मिला कि दया बहन आने वाली है, जिस वजह से ये शो ट्विटर पर खूब ट्रेंड करने लगा था। लेकिन दया बहन की एंट्री न होना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। सीरियल के मेकर्स ने शो की टीआरपी को उछालने के लिए दया बहन के नाम का जिस तरह से सहारा लिया, उससे लोग एकदम आग बबला हो गए। दर्शकों ने इस सीरियल को ऑफ एयर करने की मांग तक उठा दी, जिस पर अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी का रिएक्शन सामने आया है। जी हां, जनता के गुस्से से भरे रिएक्शन को देखने के बाद असित मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ ही डाली और कुछ अब ऐसा कह दिया जिससे उन तमाम फैंस को राहत मिलेगी जो खूब ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। दरअसल टेली चक्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें असित मोदी का बयान दिया गया है। असित मोदी ने बताया है कि शो बंद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर दर्शकों का मनोरंजन करने आए हैं, वो ऑडियंस से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। असित मोदी ने कहा, सिर्फ कुछ परिस्थितियों के कारण हम दया बहन के किरदार को समय पर वापस नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किरदार शो में आएगा ही नहीं, चाहे वो दिशा वकानी हो या कोई और, समय बताएगा। लेकिन ये ऑडियंस से मेरा वादा है कि दया वापस आएगी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहीं नहीं जा रहा। बिल सुना ना आपने, बेशक हर जगह शो के बंद होने की मांग हो रही हो और ये कहा जा रहा हो कि बिना दिशा मकानी के अब ये शो बंद हो जाएगा, लेकिन असित मोदी ने सामने आकर साफ साफ कहा है कि ये शो बंद नहीं होगा। और अब जिस तरह से उन्होंने दावे के साथ ये बात कही है कि दया बहन शो में आएंगी ही आएंगी, फिर चाहे वो दिशा हो या फिर कोई और नई एक्ट्रेस, इस बात से तारक मेहता के फैंस जो दया बहन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें राहत की सांस जरूर मिली होगी। बिल देखा जाए तो पिछले लंबे वक्त से जनता तो एक ही मांग कर रही है कि लौट आए दिशा वकानी। लोग इसी आस में बैठे हैं कि दिशा ही इस बड़े किरदार में लौटेंगी और दया बहन बनकर उन्हें खूब लोटपोट करेंगी और शो में जो कमी है उसको भी पूरा कर देंगी। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कब और कौन दया बहन के रूप में नजर आएंगी।